एक समय की बात है, एक गांव में बहुत बड़ा पुराना बड़ा सा घर था। पूरे गांव में वह घर भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उसके आगे से निकलने में बहुत डरता था। आधी रात होते ही उस घर से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती थी। एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपने भाई के घर गांव आता है। रमेश वहां से गुजर रहा होता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है? जरा बात तो सुन। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है, ये यहाँ कैसे आ गई? भागो रे भागो, हाय मम्मी बचा लो। अरे रुक, जाता कहाँ है? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। अरे मर गया, अरे अरे मर गया, बचाओ, कोई तो बचाओ। फिर वो जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की ओर भाग जाता है। अरे भाई दरवाजा खोलो, महेश भाई दरवाजा खोलो जल्दी। अरे भाई कौन है, इतनी रात को जो दरवाजा पीट रहा है? जाओ, कविता जरूर तुम्हारा भाई होगा, वो ही बेसमय आ जाता है। अजय क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में? जरा अपनी आंखों का इलाज करवाओ, ये मेरा नहीं आपके भाई साहब पधारे हैं। बड़े आए। अरे पागल औरत, वो शहद से बहुत सारी सोने की गिन्नियां लाया है ताकि यहाँ मेरे पास संभाल कर रख सके। क्या कह रहे हो जी, तो ऐसा बोलो ना कि लक्ष्मी जी पधारी है। मैं अभी आई लक्ष्मी जी। फिर वो दरवाजा खोलती है तो रमेश डरा हुआ खड़ा होता है। अरे भैया, आपका गांव तो बहुत डरावना है, यहाँ आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या? है। पर हुआ क्या, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊँ भैया, यहाँ भूतों का वास है क्या? मैं तो घर की ओर ही आ रहा था, लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा घर था, और जैसे ही मैं उसके आगे से निकलने लगा वहाँ मुझे चुड़ैल दिखाई दी, वो मुझे बुलाने लगी। क्या कह रहे हो भाई, तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था, वहाँ से जो भी निकलता है वो गायब हो जाता है। नहीं नहीं भैया, मैं वहाँ रुका ही नहीं, जैसे ही चुड़ैल दिखी मैं तो वहाँ से 9-2-11 हो लिया। अब सब ठीक है, तुम घबराओ नहीं, हम कल ही जाकर इन गिन्नियों को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देंगे। फिर अगले दिन सुबह होने पर, चलिए अब इन सारी सोने की गिन्नियों को सही जगह ठिकाना लगा दें जहाँ ये सुरक्षित रहें। फिर दोनों भाई उन सारी गिन्नियों को लेकर घर से निकल जाते हैं। देखो भाई, रास्ते में वही खंडहर आएगा, तुम डरना मत और चौकन्ने रहना, जहाँ हमें जाना है वो रास्ता वहीं से होकर आता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगा। भाई कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इतना बोलकर दोनों भाई निकल जाते हैं, और जब वह खंडहर आता है तो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। भैया मुझे तो डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। भैया अब हम क्या करेंगे, ये चुड़ैल तो हमारे सामने ही खड़ी है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर चुड़ैल महेश को अपने मुंह में निगल लेती है। भैया नहीं, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी, मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा। फिर वो भागकर वापस गांव जाता है। भाभी भाभी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाभी। अरे रमेश तुम वापस भी आ गए, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? नहीं भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वो खंडहर वाली चुड़ैल भैया को साबुत ही निगल गई। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सामने ही वो चुड़ैल भैया को निकल गई। मैं किसी तरह भाग आया ताकि मदद लेकर आ सकूं। फिर कविता घर के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें। इतने में रमेश कुछ गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। फिर कविता, रमेश और सब गांव वाले उसी खंडहर के पास जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, मेरे पति को खा गई। हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे भाभी, आपको डर नहीं लगता क्या? देवर जी, डर तो लगता है, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। आई मम्मी, मचा लो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे कविता बहन, आपके तो पति के पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ, दोनों साथ में खुशी खुशी अंदर रहना, मजे करना, मैं मरना नहीं चाहता। भाभी जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ, ये तो बहुत खतरनाक दिखती है, भागो रे यहाँ से, अपनी जान बचाओ, बेकार में इनके साथ आ गए। डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। फिर सब गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अरे रुको डरपोक गांव वालों, कहां भाग रहे हो? ए चुड़ैल, उन्हें छोड़, इधर देख, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं तुझसे नहीं डरती, समझी ना? तूने मेरे पति को निगल लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आराम से बातचीत करके भी तो मामला निपटाया जा सकता है। तू वही है ना जो कल यहाँ से बचकर भाग गया था? उसे छोड़, पहले मुझे खा के तो दिखा जरा। देवर जी, आप दूर हट जाइए। फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ए पागल औरत, तुझे भी तेरे पति के ही पास पहुँचा दूंगी। हाँ हाँ, तो खा ना मुझे, डर क्यों रही है? फिर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कविता को भी मुंह में डालकर निगल जाती है।